बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी डिस्कस अबाउट प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज हेल्प मैनकाइंड टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कहता है कि इंडस्ट्री की वजह से ह्यूमन बींग का लाइफ स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा रेज हुआ है। मतलब कि हम आज अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, बहुत ज़्यादा फूड हासिल कर रहे हैं। उसके अलावा और भी बहुत सी इंडस्ट्री की वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा फर्नीचर हासिल कर रहे हैं। मतलब हमारा लिविंग स्टैंडर्ड क्या हो गया, बेहतर हो गया। लेकिन इसका हमें नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, टन ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड इफ्लुएंस इन सॉलिड लिक्विड और गैस फ्राम आर बींग इंजेक्टेड इन टू द इन्वायरमेंट बाई इंडस्ट्री। कहते हैं इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा वेस्ट मटीरियल, वो सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है और गैसेज में भी हो सकता है। वो किस में जा रहा है, इन्वायरमेंट में जा रहा है, जो इन्वायरमेंट को क्या कर रहा है, पोल्यूटेड कर रहा है। दीज इफ्लुएंस फ्रीक्वेंटली कंटेन साइजेबल अमाउंट ऑफ सर्टेन वेरी टॉक्सिक इवन कार्सिनोजेनिक मटीरियल। कहते हैं इन वेस्ट मटीरियल में कुछ टॉक्सिक मटेरियल भी होता है, कुछ कार्सिनोजेनिक मटेरियल भी होता है। कार्सिनोजेनिक मटेरियल ऐसे मटेरियल होते हैं जिनमें से रेडिएशन रिलीज होती हैं, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल साबित हो सकती हैं। कहते हैं इंडस्ट्री में से कुछ हैवी मेटल जैसा कि लेड फ्राम ऑटोमोबाइल्स, ये जो ऑटोमोबाइल्स होती हैं, गाड़ियाँ वगैरह होती हैं, उनके चलने से क्या रिलीज होता है, लेड रिलीज होता है। इसी तरह क्रोमियम फ्राम टैनरीज, कहते हैं जो फैक्ट्रियां चमड़े का काम करती हैं वहां से क्रोमियम रिलीज होता है। और प्लेइंग होमवर्क टू ह्यूमन हेल्थ, कहते हैं ये ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत खतरनाक साबित होते हैं। इन्वायरमेंट पोल्यूशन हैज रीच्ड अलार्मिंग लेवल इन सम कंट्रीज, कुछ ममालिक में इन्वायरमेंट पोल्यूशन एक खतरनाक हद तक पहुँच चुकी है। दिस प्रॉब्लम देयरफॉर नीड टू बी एड्रेस आर एल्स इट वुड सून बी आउट ऑफ कंट्रोल, इन विच केस ऑफ बायो कंपोनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड इकोसिस्टम वुड सफर इरिपेयरेबल लॉस एंड दिस इन्वायरमेंट वुड नो लॉन्गर सपोर्ट लाइफ ऑन दिस प्लानट। कहता अगर ये सूरत हाल ऐसे ही चलती रही तो कुछ सालों के बाद ये इन्वायरमेंट इंसान लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए रहने के काबिल नहीं रहेगा। इसलिए हमें इन तमाम मसाइल पर काबू पाना चाहिए। जो इंडस्ट्रियल का वेस्ट मटीरियल है उनको कंट्रोल करना चाहिए, उनको फिल्टर करके इन्वायरमेंट में रिलीज़ करना चाहिए। कहते हैं बायोलॉजी का इसको कंट्रोल करने में क्या रोल है, बायोलॉजी इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करेगी, कैसे कंजर्व करेगी। बायोलॉजी हैज़ हेल्प मैन गाइड इन अट्रैक्टिंग अटेंशन टू दिस प्रॉब्लम। कहते बायोलॉजी ने लोगों की इस मसले की तरफ अटेंशन को खींचा है ताकि इस मसले को हल किया जा सके। एंड द बायोलॉजिस्ट्स आर स्ट्राइविंग टू फाइंड द सॉल्यूशन टू सेट दिस एनवायरनमेंट राइट वेयर एवर इट हैज़ डिटोरिएटेड। और बायोलॉजिस्ट ने क्या किया, इस एनवायरनमेंट को ठीक करने की कोशिश की है, जहाँ जहाँ जिन जिन ममालिक में ये इसकी सतह खतरनाक हद तक पहुंच चुकी थी। बायोलॉजिस्ट हैव ऑलरेडी आस्क फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस टू बी मेड ऑब्लिगेटरी। कहते हैं बायोलॉजिस्ट ने पहले ही इंडस्ट्रीज को वेस्ट मटेरियल का ट्रीटमेंट बताया कि इसको फिल्टर करके, ये डिफरेंट मेथड हो सकते हैं वेस्ट मटीरियल को फिल्टर करने के, उसके बाद इन्वायरमेंट में रिलीज़ किया जा सके ताकि इन्वायरमेंट में कम से कम पोल्यूशन पैदा हो। सेवरल वेज ऑफ बायो रेमिडिएशन, कहते हैं बायोलॉजिस्ट ने बहुत से बायो रेमिडिएशन इंट्रोड्यूस करवाए हैं और आल्सो अंडर इन्वेस्टिगेशन। फॉर एग्जांपल, एलजी हैज़ बीन फाउंड टू रिड्यूस पोल्यूशन ऑफ हैवी मेटल बाय बायो अब्जॉर्प्शन। कहते हैं एलजी को हम किसके लिए यूज़ कर सकते हैं, फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ हैवी मेटल्स। मतलब कि एलजी को हम यूज़ करके पानी में से डिफरेंट हैवी मेटल्स को क्या कर सकते हैं, अब्जॉर्ब कर सकते हैं, जिससे इन्वायरमेंट से हैवी मेटल्स कम हो जाएंगे और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्या होगा, रहने के लिए सूटेबल होगा। बायो रेमिडिएशन क्या होता है, रिमूवल और डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स और टॉक्सिक मटीरियल बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके इन्वायरमेंट से पोल्यूटेंट्स या टॉक्सिक मटीरियल को रिमूव करना
या कम करना, इसको क्या कहते हैं, बायो रेमिडिएशन। बायो रेमिडिएशन में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं, बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद है बायो कंट्रोल, दोनों सेम ही चीज़ें हैं, बायो रेमिडिएशन और बायो कंट्रोल। बायो रेमिडिएशन में सिर्फ ये फ़र्क है कि बायो रेमिडिएशन में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं, जबकि बायो कंट्रोल में कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकता है। शॉर्ट फॉर बायोलॉजिकल कंट्रोल इज़ द इंटेंशियल यूज़ ऑफ स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म और देयर मेटाबॉलिक बायो प्रोडक्ट्स टू लिमिट द हार्मफुल इम्पैक्ट ऑफ प्लांट पेस्ट। कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके जो प्लांट को पेस्ट अटैक करते हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं। बायो रेमिडिएशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके हम टॉक्सिक मटेरियल मतलब कि हैवी मेटल को कंट्रोल कर रहे थे। बायो कंट्रोल में हम क्या कर रहे हैं, प्लांट को जो पेस्ट का अटैक होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके इन पेस्ट को कंट्रोल करते हैं। बायोलॉजिस्ट आर आल्सो वर्किंग आउट द लिस्ट ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। कहते हैं बायोलॉजिस्ट ने ऐसे एनिमल जो जिनको ख़तरा के वो कुछ अर्से के बाद एक्सटेंड हो सकते हैं, मतलब कि उनकी उनकी स्पीशीज का कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म भी इस दुनिया पर नहीं बचेगा। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसे प्लांट्स और एनिमल की बायोलॉजिस्ट ने लिस्ट तैयार की है ताकि उनको कंजर्व किया जा सके, उनकी रिप्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके और उनकी स्पीशीज की तादाद को क्या किया जा सके, बढ़ाया जा सके ताकि वो इस दुनिया से ना पैद ना हो। देन इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इन पाकिस्तान, कहते पाकिस्तान में भी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गई है और ये हमारे लिए क्या मसला बन गया, एक नेशनल प्रॉब्लम बन गई है। आवर रिवर्स कैनाल्स एंड हाईली पोल्यूटेड विद मिक्सिंग ऑफ सिटी सीवरेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्टेज। कहते हमारे जो दरिया और कैनाल्स रिवर्स और कैनाल्स वगैरह हैं वो जो हमारे घरों का पानी है उसकी वजह से और जो इंडस्ट्रियल का वेस्ट है उसकी वजह से क्या हो रहा है, पोल्यूटेड हो रहा है और जो पोल्यूटेड होने की वजह से जो रिवर्स और कैनाल्स में लिविंग स्पीशीज है, फॉर एग्जाम्पल फिशीज हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें, कुछ एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनके लिए क्या बन रही है, उनके लिए रहने के काबिल नहीं रही। तो बायोलॉजिस्ट ने इसकी तरफ ही अट्रैक्शन लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया कि इसको भी कंट्रोल किया जाए। द लाइफ इन फ्रेश वाटर ऑफ पाकिस्तान इज टूवर्ड डिक्लाइन। कहते हैं इसकी वजह से पोल्यूशन की वजह से जो हमारी फ्रेश वाटर लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो दिन ब दिन क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, डिक्लाइन होते जा रहे हैं। फिश पॉपुलेशन हैव बीन मोस्ट एडवर्सली अफेक्टेड। कहते हैं इस पोल्यूशन की वजह से सबसे ज़्यादा जिस जो अफेक्ट हुआ है वो फिशेज को हुआ है। वी नीड टू टेक प्रोटेक्टिव मेजर। कहता है हमें इसके लिए प्रोटेक्टिव मेजर्स यूज़ करने चाहिए एज अर्ली एज पॉसिबल इन सिटीज़, पार्टिकुलरली द एग्जॉस्ट फ्राम ऑटोमोबाइल इज नॉर्मसली एडिंग लेड इन टू द एटमोसफेयर। कहते जो ऑटोमोबाइल गाड़ियाँ चल रही हैं वो इन्वायरमेंट में क्या रिलीज़ कर रही हैं, लेड को रिलीज़ कर रही हैं। देर इज़ देन नीड फॉर लेड फ्री पेट्रोल टू रिड्यूस पोल्यूशन। कहते हैं इस पोल्यूशन को कम करने के लिए हमें लेड फ्री पेट्रोल को यूज़ करना चाहिए, ऐसा पेट्रोल जिसमें लेड ना हो उसको यूज़ करना चाहिए ताकि इन्वायरमेंट में पोल्यूशन कम से कम हो। रेफरेंस है FSC पार्ट 1 बायोलॉजी लाहौर बोर्ड या गुजरावाला बोर्ड, पेज नंबर 13 और 14 था। असाइनमेंट है डिफरेंस बिटवीन बायोलॉजिकल कंट्रोल एंड बायो रेमिडिएशन, राइट अ नोट ऑन प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे लेक्चर।